बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ किचन में ज़ारा तूल। आज बनाऊंगी मैं चॉकलेट मोस, जिसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट लिया है 150 ग्राम। ये मैंने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट के साथ चॉप कर लिया है गार्निशिंग के लिए। 6 टेबल स्पून मैंने लिया है कोको पाउडर। 1 कप हम लेंगे कंडेंस्ड मिल्क। 1 कप हम लेंगे हैवी क्रीम। 2 टेबल स्पून हम लेंगे मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करने, और इसे हम माइक्रोवेव में 1 मिनट बेक करेंगे इसे मेल्ट करने के लिए। इसे हमने माइक्रोवेव में 1 मिनट बेक कर लिया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि मेल्ट हो जैसे इसे। ये देखिए, ये मिक्स हो गई है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे क्रीम। क्रीम को हम बीट कर लेंगे। एक बड़ा बॉल लेंगे, उसमें ये सारी क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम हमने इसमें डाली है, अब हम इसे बीट कर लेंगे। क्वांटिटी डबल हो गई है। अब हम इसे मज़ीद 5 मिनट और वेट करेंगे कि ये गिरना बंद हो जाए।
ये देखिए इसकी क्वांटिटी डबल हो गई और ये काफ़ी हद तक बीट हो गई है। हम इसे मज़ीद और बीट करेंगे। देखिए जिस तरह की हमें क्रीम चाहिए थी उस तरह की क्रीम तैयार हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। बीट कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे कोको पाउडर। इस तरह पहले मिक्स करके कि बीटर चलने से उड़े ना, फिर इसमें मशीन बीटर चला लेंगे। कितने अच्छे से बीट हो गई है। अब हम इसे क्रीम हमारी बीट हो गई है। अब हम इसका मूस तैयार कर लेंगे, चॉकलेट मूस। हमने एक ये आइसक्रीम कप लिया और एक हमने लिया ये मग। हम पहले इसमें तैयार करेंगे, इसमें हम डालेंगे। ये मैंने एक आइसक्रीम कप लिया है और एक मैंने लिया ये मग। आप अपनी मर्जी है, आपकी जो इसमें जिस चीज़ में आप इसे तैयार करना चाहते हैं। हम इसमें पहले डालेंगे डार्क चॉकलेट, और इसे 2 से 3 मिनट हम फ्रिज में रख देंगे कि ये ज़रा ठहर जाए, ठंडी हो जाए, कि हम जब इसमें वो व्हिप्ड क्रीम जो हमने इनके मोमोज तैयार किया था क्रीम, वो इसमें मिक्स ना हो जाए। हम इसे 2 से 3 मिनट फ्रिज में रखेंगे कि ये ठहर जाए, मिक्स ना हो। इसी तरह हम मग में भी क्रीम डाल लेंगे, डार्क चॉकलेट डाल लेंगे। आप क्रीम में कंडेंस मिल्क की जगह शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से करेंगे। और इन दोनों को हम ज़रा फ्रिज में रख देंगे 2 मिनट, 2 से 3 मिनट। चॉकलेट हमारी सेट हो गई। अब हम इसमें ये डालेंगे क्रीम। आप इसे पैकिंग बैग की मदद से भी डाल सकते हैं। और फिर इसके ऊपर फिर से डालेंगे हम डार्क चॉकलेट। मामा चाची,
ये इसे छोड़ देंगे हम थोड़ी देर, वो सेट हो जाए और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। पाइपिंग बैग की मदद से ज़रा इजी हो जाता है। और इसे भी लास्ट के लिए रख देंगे 3 से 4 मिनट, ये सेट हो जाए। चॉकलेट हमारी सेट हो गई, अब इसमें हम फिर से डालेंगे। अब हम इस पे चॉकलेट कुछ इस तरीके से डालेंगे। और इस पे थोड़ी सी क्रश की हुई चॉकलेट डालेंगे, डार्क चॉकलेट। और इसी तरह दूसरा जो मग था उसे तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर इसी तरह से डार्क चॉकलेट डाल लेंगे। और जो चॉकलेट हमने गार्निश की थी और इसे फुल नाइट हम फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। देखें इसे 2 से 3 घंटे हो गए रखे हुए। ये देखें कितनी अच्छी सी तैयार हुई है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।